वीर जी, वही सामान लेना जो बहुत जरूरी हो। अभी सारा ठिकाना नहीं है, इस सामान कितने रखेंगे? जी परजाई जी। परजाई जी, हमें ना इस घर में ही रहने दीजिए। हाँ। नहीं नहीं प्रीतो, अगर अब हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ओ परजाई जी, वो आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो हमें ना कुछ भी नहीं होगा। और अब तो मुझे है ना भूतों से डर भी नहीं लगता। परजाई जी, वो आजकल ना मेरी तबीयत खराब चल रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। और यहाँ पे तो रहने का ठिकाना भी है, पार तो बस धक्के ही खाने पड़ेंगे। कल तक तो रंजीत अंकल भूत से बहुत डर रहे थे और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी, फिर आज ही लोग यहाँ से नहीं जाने का बहाना क्यों बना रहे? मम्मा कुछ तो यहाँ से जाने के लिए रोक भी नहीं रहे, लेकिन खुद यहाँ रुकना चाहते हैं, क्यों? परजाई जी, ओ मैं ना बस यहीं पे रहना चाहता हूँ। चक्कर आ रहे हैं, बैठ जाता हूँ। तुम रविंदर के साथ रविंदर सदन और धर्मपुरा छोड़कर हमेशा के लिए दूर चली जाओ। ये संकट सिर्फ रविंदर और तुम्हारे ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं। पुत्र, ठीक है प्रीतो, तुम लोग इतने रहना चाहते हो तो रहो। लेकिन हाँ, कोई भी परेशानी आए ना तो एक घर नू छोड़ देना, हाँ इतने नहीं रहना। मैं तो यही चाहती हूँ परजाई जी कि आप भी ना हमारे साथ यहीं रहे। क्या कर सकते हैं परजाई जी, अब आपने फैसला ले लिया है तो सोच समझ के लिया होगा, है परजाई जी? परजाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी परजाई जी। बस बस, बस। अच्छा परजाई जी, कोई ना कोई बात तो जरूर है। रविंदर, आखिर क्या वजह हो सकती है जो मम्मा को यहाँ से जाने देना चाहते हैं और खुद यहाँ पर रुकना चाहते हैं? रावी, की होया पुत्र? मम्मा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे दे दोगे? पुत्र, मेरे बस में होगा तो जरूर दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मम्मा प्लीज, एक दिन के लिए धर्मपुरा में रुक जाओ प्लीज। मम्मा, मैं आखिरी बार अपने दोस्तों के साथ एक दिन बिताना चाहती हूँ। पता नहीं मौका मिले या ना मिले। भूतनी ने अमावस की रात की धमकी दी है और वो तो परसों है। अगर आविदा इतना मन है तो मैंने एक दिन रुक जाना चाहिए, और फिर की मालूम इस घर से, एक पिंड से मिलने का मौका कब मिले।